दिया, मिट्टी में विष मिला दिया, जहर हवा में फुला दिया, धरती माता की पुकार ध्यान लगा के सुन, धरती माता की पुकार ध्यान लगा के सुन, सुन सुन भाई सुन, 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 भाई सुन। क्या कृषि अधिकारी साहब, ये हमें कहाँ जंगल में ले आए? क्यों भाई, तुमको ये जंगल बुरा लग रहा है? यहाँ इतनी हरियाली है, सब कुछ कितना सुंदर है। तो क्या हमारे गांव में हरियाली नहीं है? ठीक है, हमारे यहाँ थोड़ा कम हरा भरा है और यहाँ थोड़ा ज्यादा हरा भरा है। सुनो, हमारे यहाँ की मिट्टी और यहाँ की मिट्टी में बहुत फर्क है। वो कैसे? बाबूजी, 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 भैया मेरा चिप्स खा गया। ओ, नहीं बाबूजी, आधा मैंने खाया, आधा इसने खाया। नहीं, इसने खा लिया। बाबूजी ये झूठ बोल रही है। नहीं, इसने आधा खाया था। तू सच बोल दे बाबूजी, मैं बाबूजी को बोलूं। खाया क्यों खेत सिंह? मना किया था, हर जगह बच्चों को लेकर मत चलो, जब देखो चपर चपर, चुप कराओ इनको। क्या करें भाई, इनकी माँ नहीं है ना, लड़ो मत, वहां जाके खेलो, जाओ। अधिकारी साहब, ये बताइए हमारी हरियाली और यहाँ की हरियाली में क्या फर्क है? अरे बहुत फर्क है, तुमने मिट्टी में रासायनिक खादों को डालकर मिट्टी को खराब कर दिया है, जहर बना डाला है मिट्टी को, और अब जहर ही खा रहे हैं हम लोग, इसीलिए हमारी सोच भी जहरीली हो गई है। भले ही हम ऊपर से चमकते हों, लेकिन अंदर से खोखले हैं। तो क्या साहब, यहाँ की मिट्टी अमृत और हमारी मिट्टी जहर है? ठीक कहा तुमने, यहाँ की मिट्टी में अमृत इसलिए है क्योंकि पारंपरिक और प्राकृतिक ढंग से खेती की जाती है, मिट्टी में जैविक खाद ही डाला जाता है और हम डालते हैं पेस्टिसाइड्स और रसायन। जमीन के नीचे पानी तक को तो हमने जहरीला कर दिया है, धरती माता के एक अंग को जैसे लहू लुहान कर दिया है। हम कैसे मान लें? दोनों मिट्टी है हमारे पास, कहो तो जांच करके दिखाऊं। जंगल में गीत संगीत, चलो भाई देखा जाए, थोड़ा मनोरंजन हो जाए। चलो चलो भाई, चलो 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 चलो। ये गाजा बाजा क्यों बंद हो गया? अरे लगता है बिजली चमकी है, बारिश होने वाली है। ए बारिश कैसे होगी, मौसम तो इतना साफ है। हाँ। देखो फिर चमकी, ये लोग कौन है? कौन? ये लोग हमारे फोटो खींच रहे हैं। ए भाई, हमारी फोटो क्यों ले रहे हो? हम लोग नमूने हैं क्या? ये अधिकारी साहब है, आप लोगों से मिलने आए हैं। मिलने आए हैं और साथ में कचरा भी लाए, ये प्लास्टिक के थैले, ये बोतल। अरे तुम लोग तो चले जाओगे, हमारी धरती माता का सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। तुम लोग भी तो खाते पीते हो, और जूठे पत्तल, बचा हुआ खाना और बहुत सारी चीजें इस धरती पर फेंकते हो, तो क्या धरती खराब नहीं होती? अरे तुम लोगों को ये बात समझ में नहीं आती कि हम लोग जो चीजें इस्तेमाल करते हैं वो सब प्राकृतिक हैं, और जो कुछ भी बच जाता है उसे हम इसी मिट्टी में डाल देते हैं और वो वापस जैविक खाद बन जाता है। हम सदियों से इसी तरह प्रकृति के साथ चलते आ रहे हैं। हाँ, और हम नहीं चाहते कि कोई बाहर से आए और हमारी मिट्टी को जहरीला करे। ऐसे ही अंग्रेज भी आए थे हमारी धरती को जहरीला करने, तब हमारे पूर्वजों ने उनके खिलाफ विद्रोह किया था। तुम्हें क्या लगता है? अरे आजादी की लड़ाई के कई गुमनाम योद्धा हैं जिन्हें तुम लोग नहीं जानते। 1854 में हमारी दो वीर बहनें फूलों और झानों ने अपने जल, जंगल और जमीन को बचाने के लिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी और उन्हें सजा भी दी। आज तुमने हमारी जमीन को गंदा किया और अब हम तुम्हें सजा देंगे। हाँ, तुम्हें सजा देंगे।
हमारी धरती माँ को गंदा किसने किया? अरे अरे ये क्या, धरती हिल रही है, लगता है भूकंप आया है। हे देवी माँ, तुम कौन हो और तुम्हारा ये हाल किसने किया? डरो मत, मैं वही हूं जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो। मैं धरती माता हूं। मैं तुम लोगों से कुछ कहने आई हूं। तुम लोग रासायनिक खादों से, कीटनाशकों से मेरी मिट्टी को जहरीला कर रहे हो। तुम सोचते हो इसमें सिर्फ मेरा नुकसान होगा? पहाड़ों को काटते हो, नदियों के पानी में रसायन का विष मिलाते हो, मेरा दर्द तुम्हें महसूस नहीं होता? मेरी कराह तुम्हें सुनाई नहीं देती? जब मेरी ही मिट्टी जहरीली हो जाएगी तो उससे जो अन्न उत्पन्न होगा वो भी तो जहरीला ही होगा, और आने वाली पीढ़ी उस जहर को खाकर कमजोर होती चली जाएगी। धरती बंजर हो जाएगी, जंगल खत्म हो जाएंगे, खेत सूख जाएंगे। आपस में लड़ना बंद करो और मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। क्या तुमने वेदों में नहीं पढ़ा कि धरती ही तुम्हारी माँ है, प्रकृति ही जननी है? कृष्ण ने भी गीता में मेरी महिमा का वर्णन किया है। अपने पुराणों और धर्म ग्रंथों का कुछ तो पालन करो। हे धरती माँ, हमें क्षमा कर दो। हम वचन देते हैं कि आपकी रक्षा के लिए हम हर तरह का प्रयास करेंगे। हम रासायनिक खाद और कीटनाशकों को बंद करके प्राकृतिक रूप से खेती करेंगे और जैविक खाद का प्रयोग करेंगे। हे धरती माँ, हमें क्षमा कर दो।